तो जी न्यूज पर इंडिया का आप जीएनए देख रहे हैं ई कॉन्क्लेव और इस वक्त मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ गए हैं और इस कॉन्क्लेव में अब शामिल होने के लिए मेरे साथ देवभूमि से सीधा हम रुख करेंगे। मेरे साथ मुख्यमंत्री उत्तराखंड के इस वक्त त्रिवेंद्र सिंह रावत जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आपका जी न्यूज पर। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले चूंकि इस वक्त देश भर में कोरोना काल चल रहा है, संकट की बड़ी घड़ी है और देवभूमि भी इससे अछूती नहीं, लेकिन देवभूमि से जो आंकड़े कोरोना से जुड़े हुए सामने आ रहे हैं वो बताते हैं कि हालात जो है वो कंट्रोल में है। वहां पर स्थिति कई मायनों में चुनौतीपूर्ण तो है लेकिन उतनी बदतर नहीं जो दूसरे राज्यों में है। 1308 का आंकड़ा कुल मामले अगर उत्तराखंड में हम देखें तो 1308 मामले, 12 मौतें हो चुकी हैं। रिकवरी रेट हालांकि वहां पर भी अच्छा है, लेकिन आपके नजरिए से, आपके परिदृश्य से उत्तराखंड किन चुनौतियों से इस कोरोना काल से जूझ रहा है और अगर ये कंट्रोल्ड आंकड़े हम बता रहे हैं तो वो किस हद तक ये चुनौतियां आपने कैसे पार की हैं और क्या फिलहाल उत्तराखंड में स्थिति है? अगर हम आज की जो हालात है उसको देखें और आज से 15 दिन पुरानी स्थिति को उसकी समीक्षा करें तो आपको ये नजर आएगा कि यहां पर अचानक जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की संख्या बढ़ी है और इसका कारण है कि उत्तराखंड के तमाम लोग जो महाराष्ट्र में रहते हैं, गुजरात में रहते थे, एनसीआर में रहते थे, ऐसे लोगों को की घर वापसी हुई है और राज्य सरकार ने उनको लाने के लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं की, चाहे अपना उत्तराखंड का परिवहन हो या फिर माननीय रेल मंत्री जी से जो रेल हमको यहां पर मिली है जी। उसके कारण अचानक हमारे यहां पर भारी तादाद में लोग बाहर से आए और वो ऐसा एरिया था जहां पर संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ा है, चाहे महाराष्ट्र हो, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हो, हरियाणा हो या फिर गुजरात हो, और वो लोग वहां से संक्रमित होकर यहां पर आए हैं। उससे पहले के अगर हालात देखते हैं आप, हम एक महीना पहले पूरी तरह मुक्त हो गए थे, लेकिन ये हमारे उत्तराखंड के प्रवासी लोग हैं, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी चिंता करें। हमारे सामान्यतः हमारे लोग छोटी छोटी नौकरियों में हैं, प्राइवेट में हैं, और इसलिए हमारी चिंता और भी बढ़ जाती है जी। ऐसे में फिर भी अगर आप कुल मिलाकर अगर हालात देखेंगे तो पूरी तरह स्थिति नियंत्रण में है। आज हमारे पास लगभग 1300 पेशेंट्स पॉजिटिव आए हैं, उनमें से 400 से अधिक उनको उनके घरों में स्वस्थ होकर के वो अपने घर चले गए हैं और लगभग 17,000 कोविड केयर सेंटर, 17,000 बेड हमारे कोविड केयर सेंटर में आज भी हमारे पास उपलब्ध हैं। हमारे जो अस्पताल हमने कोविड हॉस्पिटल बनाए हैं, अभी मुश्किल से मुझे लगता है कि 7-8 पेशेंट को ही वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी होगी, तो हमारे पास हर जनपद में वेंटिलेटर की हमारी ऐसी आपातकाल के लिए व्यवस्था है, बाईपैप की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की व्यवस्था है। और ये 3-4 महीने का जो कार्यकाल हुआ है कोरोना का, इस बीच में हमने अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को काफी दुरुस्त किया है। मैं कह सकता हूं हमने लगभग 400 के करीब डॉक्टर भी भर्ती किए, पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती किया, और अगर आप देखेंगे तो जो हमारा सर्विलांस है वो भी अच्छा चल रहा है। पुलिस के द्वारा जो बॉर्डर्स पर जो चेकिंग होती है वो बहुत सघन चेकिंग होती है और उसके कारण मुझे लगता है कि हम जो फाइट कर रहे हैं या जो रणनीति हमने इसके लिए बनाई है वो हमारी रणनीति कारगर होगी। साथ में जो अवेयरनेस के प्रोग्राम हैं, लगातार अवेयरनेस के प्रोग्राम चल रहे हैं गांव स्तर तक। हमने गांव के जो प्रधान हैं उनको भी आपदा अधिनियम के अंतर्गत उनको भी अधिकार दिए हैं कि वो गांव में जो लोग आ रहे हैं वहां पर स्कूल है, पंचायत घर है या होम क्वारंटीन है, उनको भी हमने फंडिंग की व्यवस्था की है। पहली किस्त हमने 10,000 रुपए की उनको दी कि आपको किसी के लिए कोई खाने की व्यवस्था करनी है या कोई अन्य व्यवस्था करनी है, छोटे छोटे गांव हैं पहाड़ के, तो वहां पर हमने उनको दिया है। आगे भी उनको फंडिंग की व्यवस्था हमने की है कि आप जैसे ही आपको पैसे की आवश्यकता पड़ती है आप पैसे की डिमांड करिए, आपको पैसा मिलेगा। हमारे पास पैसे की कोई कमी, कई बार लोग बोलते हैं कि पैसे की दिक्कत है, तो मैं
गौरी, आपके जितने भी श्रोता हैं और उत्तराखंड के जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पास कोविड में फंड की कोई भी कमी नहीं है और ना हम उसके लिए कोई कमी होने देंगे। और इसलिए आप सतर्कता बरतें, सावधानी बरतें, तो हम इस कोविड से आराम से हम इसके साथ लड़ाई लड़ सकते हैं और हम इसको पीछे छोड़ सकते हैं। ठीक है त्रिवेंद्र सिंह जी, क्योंकि आपने यहां कहा कि हमने अपने लोगों को वापस लाने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश की, आपकी तरफ से हर वो कदम उठाए गए जो उन लोगों को अपने राज्य में वापस ला सके, क्योंकि इस दौरान कैसे लोग परेशान हुए अपने अपने राज्य को लौटने के लिए ये भी हमने देखा था। लेकिन यहां पर अब एक बहुत बड़ा सवाल इसी से जुड़ा हुआ, इसे मैं आगे बढ़ाते हुए आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग, अगर मैं गलत नहीं हूं सर, तो शायद 2 लाख के आसपास लोग पहुंचे हैं वापस उत्तराखंड, तो ये शहरी क्षेत्रों से तो बोझ कम हुआ, लेकिन अब आप लोगों की जिम्मेदारी बहुत हद तक बढ़ गई है। और जिम्मेदारी इस बात को लेकर, पलायन पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन एक लाइन ये कि पलायन के बाद बहुत बड़ी संख्या में लोग अपना राज्य उत्तराखंड छोड़कर दूसरे शहरों में चले गए थे, अब वो वापस लौटे हैं, तो जिम्मेदारी आपकी उन्हें वहां रोकने की भी होगी। देखिए, हमने जो लोग वापस आ रहे हैं और जो हमारे बेरोजगार लोग हैं, नौजवान हैं जो अपने काम शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए हमने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना राज्य में लागू की है। और हमारा ये मूल सिद्धांत है, मेरा मानना है कि हमको आत्मनिर्भर होना चाहिए गांव के स्तर पर, जिला स्तर पर और प्रदेश के स्तर पर। और इसलिए हमने शुरू से ही, सरकार बनते ही, इस पर हमने काम शुरू किया था और हमने तमाम योजनाएं उसके लिए चलाई। हमने उसके लिए रूरल ग्रोथ सेंटर की योजना यहाँ पर चलाई और मेरे समझता हूँ कि लगभग 100 के आसपास ग्रोथ सेंटर आज हमारे स्वीकृत हैं, जिन पर काम प्रारंभ हो चुका है। इसी तरह से हमने लघु और सीमांत जो किसान हैं, उनके लिए हमने 1 लाख रुपए तक का ऋण ये बिना ब्याज का हम लोग दे रहे हैं। इसी तरह से अगर समूह में कोई खेती कर रहे हैं, चाहे महिला समूह हो या पुरुष समूह हो या दोनों मिलजुल कर कोई समूह हो, तो उनको 5 लाख रुपए तक का ऋण हम बिना ब्याज का दे रहे हैं। जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना है और एक हमने सीमांत क्षेत्र विकास निधि, ये अपने राज्य में हमने 3 नई योजनाएं हमने इसी वर्ष, इसी वित्तीय वर्ष में प्रारंभ की है। उनके तहत हम तमाम जो ऐसे लोग हैं जो सीमांत क्षेत्र में हैं, चाइना से हमारी सीमाएं लगती है, नेपाल से हमारी सीमाएं लगती हैं, उन सीमांत क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं, उनके लिए हमने सीमांत क्षेत्र विकास निधि ये विशेष रूप से हमने इसी वर्ष हमने उसको प्रारंभ किया। और जो मैंने बताया कि मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, ये हमने अपने राज्य के लोगों के लिए नई योजनाएं प्रारंभ की हैं और हमें उम्मीद है कि हमारे नौजवान और जो विशेषकर जो स्किल्ड हैं वो उसका लाभ उठाएंगे। अभी पर्यटन के क्षेत्र में भी हम एक योजना ला रहे हैं ताकि अधिकतम लोगों को रोजगार मिल सके। लेकिन आज की जैसी हालात हैं, और ये केवल उत्तराखंड की नहीं, मतलब मैं कहना चाहूंगा कि देश की जो स्थितियां हैं और जिस तरह से कोरोना वायरस, जिस तरह से महामारी, अभी इसका कोई भी इलाज सामने नहीं आया है और सभी विशेषज्ञ ये कहते हैं कि ये लंबे समय तक चल सकता है। ऐसे में हमारा जो मुख्य व्यवसाय है, हमारा जो मुख्य उद्योग है पर्यटन का उद्योग, वो हमको ये लगता है कि थोड़ा हमको कुछ दिन अभी और वेट करना पड़ेगा। और इसलिए हमने कृषि और उससे जुड़े हुए जितने क्षेत्र हैं, चाहे पशुपालन हो, मछली पालन हो, मुर्गी पालन हो, या प्रोसेसिंग का क्षेत्र हो, फूड प्रोसेसिंग का क्षेत्र हो, हॉर्टिकल्चर हो, या एरोमेटिक प्लांट्स का हो, मेडिकल प्लांट्स का हो, इन पर हम लोगों ने विशेष फोकस इस समय किया है ताकि लोगों को गांव में ही वो अपना काम कर सकें और कम से कम अपने परिवार का भरण पोषण आसानी से कर सकें। इसलिए हमने ये जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना तो है ही, उसमें कुछ चीजें नहीं थी, जैसे कृषि उसमें नहीं जोड़ा गया था, तो हमने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में कृषि को भी जोड़ा है। इसी तरह से मनरेगा है, मनरेगा में लोग
अभी लगभग हमारे यहाँ 10,000 से अधिक लोगों ने अभी नए नए अभी रजिस्ट्रेशन हुए हैं जो लोग मनरेगा में काम करना चाहते हैं। तो इस तरह से लोगों को रोजगार भी मिले, लोग इंगेज भी रहें और हमारी जो खाली हो गया हमारा प्रदेश, जो काफी संख्या में जो राज्य से पलायन हुआ है, क्योंकि हमने पलायन पर पहले से हमने एक पलायन आयोग बनाया था, ग्रामीण विकास एवं पलायन आयोग हमने पहले ही हमने बनाया था, तो हमने उसका अध्ययन पूरा हमने राज्य का कर लिया था, तो उसके थ्रू भी उसके माध्यम से भी हम रोजगार और स्वरोजगार देने का काम कर रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह, मुझे लगता है कि 5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, पलायन का आप जिक्र कर रहे हैं कि इस दिशा में बहुत काम हुई, लेकिन पलायन एक ऐसी समस्या है जिस पर काबू करना, लोगों को वापस लेकर आना, ये कोविड की वजह से ही पॉसिबल हो पाया, मुमकिन हो पाया कि लोग इतनी बड़ी संख्या में अपने राज्य लौटे, क्योंकि यहां पर परिस्थितियां दूसरी थी। अगर हम 2001 से 2011 तक के आंकड़े देखें तो 3.5 लाख लोग ऐसे थे जिन्होंने इस राज्य से, उत्तराखंड से पलायन किया, वो मेट्रो सिटीज की तरफ उन्होंने रुख किया, क्योंकि यहां पर बहुत बड़ी जो मुसीबत उन लोगों के सामने थी वो रोजगार से जुड़ी हुई थी। घोस्ट विलेज एक बहुत बड़ी समस्या, यहां पर 1,000 से भी कई ऐसे ज्यादा गांव हैं जो पूरी तरीके से निर्जन हो चुके हैं, उन्हें बसाना, अब लोगों को वापस उत्तराखंड से जोड़ना, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। देखिए, आपने कहा कि कोविड की वजह से लोग वापस आए हैं जी, ये बात सही है। लोग जब गए थे, जब लोगों ने अपने राज्य से बाहर गए, और विशेषकर वो लोग जो छोटी छोटी नौकरियों के लिए गए, वो मजबूरी में गए, और आज भी जो लोग लौट कर आए हैं ये बहुत खुशी खुशी आए हैं ऐसा मैं नहीं कह सकता, दोनों ही डिस्ट्रेस में हुआ है। और इसलिए हमने इस पर अध्ययन का काम हम लोग कर रहे हैं, और इन लोगों में से कितने लोग यहां पर रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको कुछ काम करते करते उसी का अभ्यास हो गया है, और वो हर काम में हाथ डाल सकें ऐसा वो लोग महसूस करते हैं या नहीं करते हैं, इन सब चीजों के लिए अध्ययन का काम चल रहा है और ऑनलाइन चल रहा है। मुझे लगता है कि जब ये सारी रिपोर्ट हमारे पास आएगी, कौन क्या करना चाहते हैं, हमने वो होफ करके एक एप्लीकेशन डेवलप किया है, और उसमें जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी योग्यता क्या है, उनको क्या काम करना चाहते हैं, ये सारी चीजें उसमें विस्तृत रूप से जानकारी एकत्रित की जा रही है जी। और इसी तरह से जो इंडस्ट्री है अन्य लोग जो जिनको श्रमिक चाहिए, जिनको कर्मचारी चाहिए या उनको स्किल्ड लोग चाहिए, वो भी उस प्लेटफॉर्म पर अपनी डिमांड भेजेंगे, तो दोनों का सामंजस्य का काम जो हमारी मानव शक्ति है, मानव संसाधन है उसका, और जो हमारे उद्योग या अन्य लोग हैं उनकी जो आवश्यकता है उनको सुविधा प्रदान करने का काम राज्य सरकार कर रही है। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि इससे एक तो सारी स्टडी हमारे पास हो जाएगी कि लोग क्या क्या करना चाहते हैं, अपने घर में रहना चाहते हैं या कोई हॉस्पिटैलिटी में आना चाहता है, कोई पर्यटन के क्षेत्र में आना चाहता है, कोई हेल्थ के क्षेत्र में आना चाहता है, कृषि के क्षेत्र में आना चाहता है या कोई और अपना काम करना चाहता है, वो सारे आंकड़े हमारे पास आ जाएंगे और तदनुरूप हम लोग काम करेंगे। सभी जिलाधिकारियों को अभी जब लगभग एक हफ्ता पहले इस योजना का लॉन्चिंग की गई तो सभी जिलाधिकारियों को कह दिया गया है कि जो स्टेक होल्डर हैं और जो हमारे बैंक्स हैं उन बैंक्स के साथ बैठ करके और इनको फंडिंग में दिक्कत ना हो या इसकी बात इसकी आप सुनिश्चित करें, इस तरह के निर्देश जिलाधिकारी को दिए गए हैं। त्रिवेंद्र सिंह जी, वोकल फॉर लोकल और इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत, क्योंकि कोविड के इस समय में अब आत्मनिर्भर होना भारत का बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री का यह सीधा मंत्र पूरे देश भर को था, लोगों के साथ साथ अब राज्यों की जिम्मेदारी यहां पर इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि अब खुद को आत्मनिर्भर अगर आपको बनाना है तो खुद के राज्य में वो संभावनाएं पैदा करनी होंगी जो संभावनाएं वहां के युवा, वहां के लोग बाहर जाकर खोजते हैं, उन्हें पूरा करना, उस दिशा में आगे काम करना, इसे लेकर भी
ब्लूप्रिंट कोई तैयार किया है आपने? और एक लाइन और मैं आपसे यहां पर जोड़ना चाहूंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑर्गेनिक स्टेट का जिक्र किया था, कहा था कि अब राज्यों को इस दिशा में आगे काम करना होगा। तो मुझे लगता है सर आपके पास तो ये बहुत बेहतरीन मौका है, आपके युवा आपके पास लौट चुके हैं, लोग आपके पास लौट चुके हैं, ऑर्गेनिक स्टेट को लेकर इस पर भी काम किया जा सकता है। देखिए, हम चाहते हैं कि हिमालयन ब्रांड ये हम विकसित करें। हमारे पास लगभग 10,000 क्लस्टर हमने बनाए हैं, जिसमें सब्जियां हैं, मसाले हैं, फूल हैं, फल हैं, औषधीय पौधे हैं, सुगंधित पौधे हैं, ऐसे 10,000 के करीब क्लस्टर हमने बनाए हैं। और वो क्लस्टर जो हमारी हिमालयन ब्रांड की जो परिकल्पना है उसको पूरा करेंगे। जो अन्य जो हमने जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में जो जो भी लगभग मैं समझता हूँ कि 150 के आसपास कार्य हैं जिनके लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत काम किया जा सकता है, तो उससे भी ये सब स्थानीय जो हमारे संसाधन हैं, कुछ प्रकृति ने हमको दिए हैं, कुछ हम परंपरागत रूप से अपने खेतों में उसको कर रहे हैं या अपने आसपास उसको कर रहे हैं, और कुछ चीजें ऐसे कि जो हमारी आज जिनकी डिमांड है, हमारे पास देश से डिमांड है, राज्य के बाहर से डिमांड है, कुछ चीजें ऐसी, तो ये सब मिला करके ये सब लोकली हैं, स्थानीय ही हैं सब लोग। और उसी को हमने इन टोटलिटी में हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो हिमालयन ब्रांड की जो हमारी परिकल्पना है वो इन सब चीजों से पूरी होगी। और आज जो आवश्यकता लोग महसूस कर रहे हैं, जो विशेषकर जो हमारा उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर गुड्स हैं, विशेषकर जो सब्जियां हैं, मसाले हैं, फल फूल हैं, आयुर्वेद की ओर लोगों का बहुत झुकाव बढ़ा है, तो उन सब की पूर्ति और यहां से की जा सकती है। और जो हिमालयन ब्रांड हमने कहा उसके अधीन सब आ जाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। चूंकि अब सशक्त भारत और आत्मनिर्भर भारत का वक्त है, तो ऐसे में किस दिशा में हर राज्य को आकर काम करने होगा, इसी को लेकर आप त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को सुन रहे थे कि कैसे उत्तराखंड इस कोरोना काल में आगे बढ़ रहा है, राष्ट्र निर्माण को लेकर क्या क्या जो कोशिशें हो रही है राज्य की तरफ से उत्तराखंड। तो आप ई कॉन्क्लेव देख रहे हैं इस वक्त, इंडिया का डीएनए, और इंडिया के डीएनए में लगातार आज आप दिन भर ई कॉन्क्लेव इस मंच के माध्यम से उन तमाम नेताओं को सुनेंगे, उन लोगों को सुनेंगे जो देश निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और अब चूंकि संकट की घड़ी है, तो इस घड़ी में आगे किस तरह से क्या रोडमैप सरकार की तरफ से, राज्यों की तरफ से किस तरह की कोशिशें हो रही हैं, ये तमाम बातें जो सवाल आपके जहन में है जी न्यूज के इस मंच पर आज उन नो सिग्नल नो वरी प्रेजेंटिंग जी न्यूज ऐप विद लाइव टीवी लेटेस्ट अपडेट एंड एक्सपर्ट ओपिनियन अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड एप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।